जब कांग्रेस पार्टी का नया अध्यक्ष बनता है तो पुरानी कार्यकारिणी भंग हो जाती है। पुराने पुराने जो पदाधिकारी है कई सालों से चले हैं, उनको किनारे हट के नौजवानों को मौका देना चाहिए। कहना चाहूँगा कि इतना टाइम हो गया, किसी ने उसके ऊपर पूरे हिंदुस्तान में अमल नहीं किया। और जब आपने चिंतन शिविर में डिस्कस कर दिया कि भी जो पदाधिकारी पुराने चले हुए हैं उनको दूसरों को जगह छोड़नी चाहिए, दो दो पदों पे नहीं रहने चाहिए, तो मैंने इसलिए जो है वो जो अपने वाइस प्रेसिडेंटशिप है उससे मैंने इस्तीफा दिया है। आज की तारीख में क्या 38-40 तो आपके वाइस प्रेसिडेंट हो गए, आपके 40-45 जो है वो जनरल सेक्रेटरी हो गए। ये मैं कहूँगा एक परंपरा ठीक नहीं है। जो जाता है तो दिल्ली से अपने समर्थकों की नोटिफिकेशन करवा के आ जाता है, फिर दूसरा नेता जाता है वो अपनी नोटिफिकेशन करवा के ले आता है। ये मैं कहूँगा ये परंपरा ठीक नहीं है। जब कांग्रेस पार्टी का नया अध्यक्ष बनता है तो पुरानी कार्यकारिणी भंग हो जाती है, लेकिन वहाँ से एक लेटर देते हैं पिछले वाले भी चालू रहेंगे और नए भी हो गए। आप मेरे को बताइए ये इतने 40-45 वाइस प्रेसिडेंट उनको बनाने की ज़रूरत क्या है। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मैंने रिजाइन इसलिए किया था क्योंकि राजस्थान में ये डिस्कस हुआ था कि पुराने जो ऑफिस बीर हैं जो कई सालों से चले हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए और किनारे हट के पार्टी का काम करना चाहिए। मैंने सोचा मेरे को क्योंकि चुनाव प्रबंधन का काम जो है वो सोनिया जी ने दिया है, चुनाव प्रबंधन का काम तो पूरा करूंगा और कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए जो जिले मेरे से अभी रह गए हैं तुरंत 2-4 दिनों के बाद मैं उन जिलों में जाके चुनाव प्रबंधन समिति का काम करूंगा। एज वाइस प्रेसिडेंट मैं एक मिनट भी नहीं रहना चाहता। सर ने कहा मैं एक सच्चा सिपाही हूँ कांग्रेस पार्टी का, अगर हाई कमांड ये सोचती है कि हमारे को चुनाव नहीं लड़ना मैं उनमें से नहीं हूँ मैं बोलूँगा मैं बगावत कर दूँगा। मैंने कहा कि मेरी जगह अगर किसी को और को भी टिकट देना है तो मैं सहर्ष उसको जो है स्वीकार करूँगा और पार्टी की जो है वो काम के। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स।